अब हम हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स माउंटेन म्यूजियम, जहाँ पे आपको पता ही होगा नेपाल में बहुत फेमस है माउंट एवरेस्ट और भी बहुत सारे हाई पीक्स हैं जिनके ट्रैक्स वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी वगैरह मिलेगा। टिकट हुआ है 263 नेपाली रुपीज। सो बेसिकली यहाँ पे सारी नॉलेज को मिलेगी अबाउट दी माउंट एवरेस्ट, अबाउट ऑल दी माउंटेन पीक ट्रैकिंग। और पहले शेरपा थे और किन्होंने माउंट एवरेस्ट एंड अदर जो हाईएस्ट पीक्स हैं उन्होंने किन किन लोगों ने सबमिट किया था, गार्बेज से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग, सारे कुछ आपको डिटेल इस एरिया से मिलेंगे। और वो देखना ये व्यू, और यहाँ पे सबके जो जो उन्होंने यूज किए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह, बूट, सारी चीजें हैं A to Z। तो यार अगर नेपाल की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो डेफिनेटली रिकमेंडेड, ये म्यूजियम जरूर आना। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट जगह पे चलते हैं। सो हम अभी पहुंचे हैं सेती रिवर। जैसे हमारे यहाँ पे गंगा जी को पूजा जाता है, वैसे ही यहाँ पे सेती रिवर को पूजा जाता है। तो अंदर चलते हैं। यहाँ पे एंट्री टिकट भी है। कितने की टिकट है? 60 नेपाली और 40 इंडियन। 60 नेपाली एंड 40 इंडियन। सो ये है वो रिवर। तो बेसिकली ये टनल बनाया हुआ है, टनल नंबर 3, और डाइवर्ट किया हुआ रिवर को। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। सो देखो वहाँ छोटी जगह से, मतलब यहाँ से देखिएगा नहीं, थोड़ा जूम कर देता हूँ, वहाँ से रिवर आ रही है। और ये नीचे भाई साहब बहुत डीप है, और उसी को फिर इधर जा रही हैं, और यहाँ पे किसी तरीके से डाइवर्ट किया हुआ है। तो यार ये था सेती रिवर, हमारा चौथा जगह। अब हम इसके बाद जा रहे हैं एक और, पाँचवीं। तो अगली हमारी जगह है महेंद्र केव। तो अब इस केव को देखें थोड़ा, क्या है इस केव में। तो ये इसकी एंट्रेंस है, वेलकम टू महेंद्र केव। सो ये टिकट पड़ा 20 रुपीस। सो ये है महेंद्र केव की एंट्री, और इसके अंदर पूरा लाइमस्टोन है, मतलब इतना ज़्यादा डार्क है ये कि विदाउट टॉर्च और विदाउट लाइट आपको कुछ नहीं दिया, बिकॉज इसके अंदर सनलाइट भी बिल्कुल 1% भी नहीं आती है। और ये एडवेंचर लवर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। ठीक है, कैसे चमक रहा है ये देखो, यहाँ से देखिएगा। बहुत ज़्यादा डार्क है, वो तो ये लाइट लगी हुई है तो थोड़ा बहुत दिख रहा है। डैम मोर रहा, मंगल मूर्ति मोर रहा। ये था महेंद्र गुफा, और अंदर एक गणेश जी की मूर्ति है, बट सही है, अच्छा बना हुआ है हर जगह से। यहाँ पे तो अंदर भी नहीं जा रहा मैं, लेकिन ठीक है, आना चाहिए, मस्ट विजिट प्लेस महेंद्र गुफा। अब चलो, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है, वैसे नहीं भी करो तो भी चलेगा, बस आपको प्यार चाहिए। प्यार के भूखे लाइक हो के नहीं, नाइक फॉलोअर के, याद रखना है। तो
सो ये है फुल ऑन एडवेंचर लवर्स के लिए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो जा सकता है। इसके अंदर नो लाइट है, इसके लिए आपको टॉर्च ही होगा, और ये बहुत डीप है जैसा कि हमें बताया गया है। तो हम नहीं जा रहे, हम बाहर जा रहे हैं। ये भी एक जगह है, आप बिल्कुल मस्ट विजिट है, महेंद्र केव है, वो है बैट केव। अंदर बहुत सारे चमगादड़ मिलेंगे हमें। चलो हाल चाल पूछ के आते हैं, कैसे हैं चमगादड़ साहब? सर टिकट हम 80 रुपीज़। एंट्री टिकट लेने के बाद ही हमें टॉर्च दिया गया है, बिकॉज अंदर पूरा डार्क है, जो कि बट ऑब्वियस है बिकॉज ऑफ बैट्स। सो ये है एंट्रेंस और ये है टॉर्च, अभी अंदर यूज़ आएगा। तो चलो देखें कैसा एक्सपीरियंस होता है इधर। सो वहाँ से एंट्री करना है हमें। ओ चले फिर, यहाँ पे थोड़ा आराम से चलने की ज़रूरत है क्योंकि लाइट बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे भाई साहब थोड़ा सा आराम से आना, फिर सिर में लगने का चांस है। इसमें अभी नहीं दिख रहा होगा लेकिन अभी दिखाएंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये है सारे पैट्स आराम से अपने घर में सो रहे हैं और हम आए उनको डिस्टर्ब करने के लिए। तुझे क्या हो रहा है? साहब साहब इतने सारे उड़ रहा है, ये कौन सा स्टाइल है? छोड़, छोड़ेगा चलते हैं, उड़ रहा है। ये तो मैं इसके जानबूझ के कर रहा है। ओ भाई साहब वो देखो चला। इसको देखो, इसको क्या हो गया? वो इसकी आवाज कर रहा है। तू भाई हिल रहा था वो। अबे आ रहा उड़ तो वो। सो अब चल रहे हैं यहाँ से फटाफट बाहर, हो गया बस इतना ही एडवेंचर था, लेकिन बहुत मस्त है। और पूरा पिच ब्लैक, बिना लाइट के तो आप अंदर घूम ही नहीं सकते। और ये क्या कर रहा है? इतनी जल्दी हो रही है निकलने की? लेकिन अच्छा था, रिकमेंडेड। आओ बैट केव एंजॉय करो। सो बैट केव देख ही लिया आपने कैसा था? मस्त, डेफिनेटली रिकमेंडेड है ये जगह भी। तो आओ यहाँ पे एडवेंचर करो, बैट्स को देखो, थोड़ा बहुत डर लगेगा जैसे हमें लगा है। पानी का बूंद ऊपर से टपका, मैंने कहा भाई अब आया उड़ता उड़ता। उसी टाइम बैठ गए नीचे, थोड़ा सा टायरिंग है लेकिन वर्थ इट है। अब चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। सो ये है नेपाल का बहुत ही पुराना मंदिर, विंध्यवासिनी टेम्पल। यहाँ पे भी मस्त विजिट है, एक बार ऊपर चल के देखते हैं। तो ये है टेम्पल और इतना खूबसूरत लग रहा है पीछे सन का, इतना सनसेट वाला गोल्डन लाइट, ब्यूटीफुल। ये है वो मंदिर श्री विद्या विंध्यवासिनी टेम्पल। तो ये था पोखरा का सबसे पुराना टेम्पल। ये भी पोखरा आ रहे हो तो मस्ट विजिट है। और अब यहाँ से जा रहे हैं सीधा अपने होटल, थोड़ा रेस्ट करेंगे और आज के लिए डे ऑफ लिंक है, थक गया क्योंकि कल हमें सुबह सुबह जाना है सनराइज के लिए सारंगकोट। सुबह 5:30 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो गुड मॉर्निंग, और आज हमारा पोखरा में आई गेस थर्ड डे है और हम जा रहे हैं सारंगकोट सनराइज के लिए। आप देख ही सकते हो पूरा अंधेरा हो रखा है बिकॉज अभी मॉर्निंग के 5:51 हो रहे हैं और फटाफट निकल रहे हैं सारंगकोट के लिए इससे पहले कि हम लेट हो जाएं। तो ड्राइवर साहब हमारे आ चुके हैं, बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। गुड मॉर्निंग भैया। तो कितना टाइम लगेगा सारंगकोट के लिए? यहाँ से वही 20-25 मिनट। 25 मिनट नाश्ता करके।
ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे स्टेयर्स है, इससे ऊपर जाना है। सो यहाँ पे टिकट लगा है 60 नेपाली रुपीस इसके टॉप पे जाने के लिए। भाई साहब 360 व्यूज है वहाँ पे और उधर ब्यूटीफुल अभी सनराइज होने वाला है। यहाँ से स्नो कैप माउंटेन दिखाऊं, वो देखो देखा एक वो टाइम लैप्स एंजॉय करो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ब्यूटीफुल सनराइज और यहाँ पे है अन्नपूर्णा रेंज। ये है फिश टेल और ये भी अन्नपूर्णा और उधर भी ब्यूटीफुल। चलो अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये हो गया सारंगकोट रिकमेंडेड, वो था टॉप प्लेस जहाँ पे हम लोग थे और ये है ब्यूटीफुल सनराइज और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग व्यू था रात का, नीचे का तो क्या ही बोलूँ मैं। सो सारंगकोट रिकमेंडेड। सो ये था कुछ व्यू, हम वहाँ ऊपर थे और ये मंदिर है यहाँ पे और वो है सारे अन्नपूर्णा रेंज। मतलब मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल सनराइज देखा है मैंने आज, सबसे ब्यूटीफुल। यहाँ से सन आया भी नहीं था और सारे हाई माउंटेन पीक्स पे जो गोल्डन लाइट सन की आई, ओहो हो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है, ज़रूर आना यहाँ पे। पोखरा आ रहे हो सारंगकोट मिस मत करना, थोड़ा मॉर्निंग में आना होता है बट इट्स रिकमेंडेड। सो सारंगकोट के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है ये फेबा लेक। बहुत ही बड़ा लेक है और बहुत सारे बोट्स है यहाँ पे। तो अब एक बार पूछते हैं कि क्या चार्जेस होते हैं यहाँ पे, कौन से टाइप के बोट्स अवेलेबल हैं और क्या है बोटिंग के बेसिक चार्जेस क्या क्या हैं। बोटिंग का ये हमारा साइकिल बोटिंग का 1 आवर का 800, ये डबल वाला जी ठीक है, सिंगल वाला 1 आवर 500, ओके। और ये सर्फिंग है ना, ये सर्फिंग वाला, इसको सर्फिंग बोलता है, इसको 600 और काइकिंग का 600। अच्छा यहाँ पे ऐसा भी है ना कि मतलब अगर हमें शांति स्तूपा के लिए अगर जी आप ट्रैकिंग जा सकते हैं इधर से पार जा क्रॉस करके, हाँ क्रॉस जाकर, तो अगर किसी को शांति स्तूपा तक ट्रैक करना है तो बोट से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से फिर ऊपर ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक होता है वो भी, मतलब हाइक ही समझो, एक दिन का कुछ घंटों का हाइक है, 1 या 2 घंटे का, और सारा वो जंगल से होते हुए, मतलब बहुत ही इनटू नेचर वाला सीन रहता है। फेबा लेक के जस्ट साथ में ये ट्रैक बना रखा है और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कैफेज वगैरह हैं, पानीपुरी वगैरह सब है। अब हम वॉक करते करते इंजॉय भी कर सकते हैं, है बहुत खूबसूरत मस्त। सो बहुत ही प्लेजेंट वेदर भी हो रखा है और मज़ा आ रहा है यहाँ पे वॉक करने में ऐसे। सो ये था हमारा दूसरा जगह, ये तो बिल्कुल ही मस्ट विजिट है। पोखरा आए और फेबा लेक ना आए तो क्या किया, बाकी बोटिंग करना आपके ऊपर है, डिसअपॉइंट तो नहीं होगे डेफिनेटली, और खासकर ऐसे वेदर में। सो हम आ गए हैं बस स्टैंड में, ये है कुछ बस स्टैंड, सारी बसेस वगैरह
खड़ी है यहाँ पे हमारी बस, उसके ठीक इस बस के ठीक बैक साइड। वैसे रास्ते में अब अंधेरा है तो कुछ दिखाने के लिए होगा ही नहीं, अब सीधा हम मिलेंगे आपको काठमांडू में। सो कल का टारगेट वही रहेगा, जाएंगे रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपनी जो चीज़ें मिस हो गई थी घूमना वो जगह घूमेंगे, खाते हैं फिर निकलते हैं और आपको मिलते हैं सीधा काठमांडू में।